तो यार वेलकम टू हॉट शॉट्स अकादमी जी। पूर्णिमा मैम, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अगर हम ऐसी स्केल को 15 पे रखते हैं मिडपॉइंट पे और एक के ऊपर अगर पेपर डालते हैं तो होता पता है क्या है? होता यह है कि अगर हमने एक बॉल फेंकी, दोनों पे बॉल फेंकी तो यार ये वाला नीचे गया, ये वाला नीचे गया, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पावर थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पावर थी। बट यार अब आगे की बात करते हैं, है ना। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द पेपर, क्योंकि आप जानते हो कि मैं पेपर को इसके बिल्कुल सेंटर में रखता हूं, यहां पे है ना, सेंटर में रखा, उसके बाद भी मैं स्केल को देखूंगा तो स्केल गिर जाएगी। सो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द पेपर, इट वॉज द पावर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही ऐसा हो रहा है, इसको फिर से देखते हैं। अब मैंने एक ऐसी टेबल ली पूर्णिमा मैम जिसमें होल्स हैं, तो नीचे भी लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो वैक्यूम टाइप जो चीज थी वो क्रिएट नहीं हो पाएगी, तो ये सस्टेन नहीं होना चाहिए मैम, है ना। ट्राई करके देखते हैं, तो देखो ये सस्टेन नहीं होगा, ये सस्टेन नहीं हुआ। ओके, एक और चीज मैम, अब हम इसको फिक्स करते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे होल्स है तो हमने यार यहाँ पे फट्टा लगा दिया। फट्टा लगाने के बाद है ना, हमने 15 पे इस पेपर रखा, अब ये सस्टेन होना चाहिए फिर से, अब ये सस्टेन होना चाहिए फिर से। यस, सस्टेन हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा। मोस्ट शॉर्ट सब्सक्राइब करना YouTube चैनल और इसी के साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। लेट्स गेट इट।